तो मैं आपका दोस्त गजानन और आज आपके लिए लाए हैं दोस्तों, बहुत दिनों में आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ रही है दोस्तों। तो देखिए, आरआरसी ग्रुप डी और एनटीपीसी एग्ज़ाम डेट और रेलवे ने जारी किया ऑफिशियल नोटिस और बताया कब होगा एग्ज़ाम और कितने भरे गए हैं फॉर्म। ये पूरी डिटेल नोटिफिकेशन जारी करके रेलवे ने सभी को बता दिया है और नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया है कि किस तरीके से आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम कब तक होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों आप लोग चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है नोटिफिकेशन जो कि आप लोगों के लिए रेलवे ने जारी किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रिक्वायरमेंट बोर्ड, मीटिंग ऑफ एग्जाम कंडक्ट एजेंसीज ECA फॉर कंडक्ट फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो मीटिंग की गई है, जो हमारी एजेंसी है, जो रेलवे की एजेंसी जो कि एग्ज़ाम करवाती है उसके साथ मीटिंग की गई है, उसमें देर आर 21 जो 21 रेलवे बोर्ड्स हैं उसमें बताया गया है कि किस तरीके से उन्हें क्या क्या करना होगा। तो दोस्तों इसमें देखिए हम बताते हैं आपको कितने फॉर्म भरे गए हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल में बताया गया है और ये मैं वैकेंसीज वाइज आपको बता देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, कितने सेंटर अवेलेबल कराए गए और कब 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 एग्ज़ाम करवाई गई। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये है जो वैकेंसीज है जो 2018 के ग्रुप डी की है, ALP की है और जो एक जो पैरामेडिकल की वैकेंसी है और इसमें एक ये जो आपने इंजीनियर की वैकेंसी है और जो एक वैकेंसी और है जिसमें 35,000 पद आप लोगों के लिए ये दिखाया गया है, ये 35,208 पद और इसमें टोटल फॉर्म हैं 1,26,30,885 फॉर्म इसमें भरे गए हैं दोस्तों। और इसमें बताया गया है जो एक वैकेंसी है जो आप हमारे जो आप लोगों के लिए निकाली गई है वो है जो मेडिकल स्टाफ के लिए, उसमें भी ये और ये देखिए 1,03,769 पदों के लिए जो आरआरसी ग्रुप डी की वैकेंसी नहीं, इसमें 1,15,76,248 फॉर्म भरे गए हैं। ये पूरी डिटेल हमारे पास एकदम सटीक डिटेल और ये देखिए दोस्तों, इसमें पूरी डिटेल में दी गई है और आपको बता देते हैं, आगे देखिएगा वीडियो को पूरी देखिएगा, इसमें आपको बताएंगे कि किस तरीके से कब और एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें बताया गया है प्री एग्ज़ाम के लिए, तो हम देखते हैं प्री एग्ज़ाम के लिए क्या है बताया गया है। प्री एग्ज़ाम के लिए बताया गया है कि किस तरीके से आपका प्री एग्ज़ाम होगा। ये प्री एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन, सिलेक्शन, प्रिपरेशन, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड, वेन्यू, मेजर सिटीज, टाउन एंड कंडक्ट, कंप्यूटर बेस्ड, सूटेबल टाइम, स्टेट नेटवर्क डिवाइस, पावर बैंक टू इंश्योर, ये सारी चीज़ें ये देखते हैं दोस्तों। तो इनमें आप लोगों को सारी चीज़ें पता चल जाएगी। सेंडिंग कम्युनिटी की कैंडिडेट ईमेल एंड SMS, वेरियस स्टेट प्रोवाइड हेल्प डेस्क वैकेंसी और ये ड्यूरिंग एग्जाम, एग्ज़ाम कब हो किस तरीके से होगा और सिक्योरिटी और इन विजुअल लेब्स और जो कैप्चरिंग बायोमेट्रिक कैंडिडेट फोटो थम्स और इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। हम आगे देखते हैं, आगे इसमें डेट दे रखी है फोस्ट की द रिगार्डेड आंसर की और जिसमें मीटिंग एजेंडा क्या एजेंडा रहा मीटिंग का, ये भी इसमें बताया गया है। ये लेटर हमारे पास 25 सितंबर 2019 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेंट्रल हॉल सेकेंड फ्लोर भवन न्यू दिल्ली, ये प्रपोजल इनडायरेक्ट पोस्टपोन, इस लेटर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो एग्ज़ाम है 25 सितंबर के बाद ही होने वाला है। 25 सितंबर के बाद जो एग्ज़ाम है होगा कंफर्म, जो कि एग्ज़ाम होने वाला है। और देखिए इसमें देखते हैं, हम आगे भी इसमें कुछ दिखाया गया है और इसमें बताया गया है कि एग्ज़ाम है 25 सितंबर के बाद ही होगा। ईमेल रिसीव द 29/9/2019 नोट कर, जो सभी को आप लोगों को जो कि आंसर की और पोस्ट एक्टिविटीज़ हैं सबको ये बताया गया है। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो इसको भी फॉलो कर लीजिएगा, हम वहाँ पर भी आप लोगों के लिए नई नई अपडेट लाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।